चरण के लिए पंजीकरण आज से शुरू होगा। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा। अब तक कुल 14 करोड़ 5 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3,23,000 नए मामले सामने आए। सरकार ने 10 और 20 मैट्रिक टन क्षमता के 20 क्रायोजेनिक टैंकरों का आयात किया और उन्हें राज्यों को आवंटित किया है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने नोएडा में 4 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया। देश भर में लगभग 4,000 कोविड केयर कोच में लगभग 64,000 कोविड केयर बेड्स की व्यवस्था है। ब्रिटेन भारत को महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति प्रदान कर रहा है।